नजिया, नजिया, रजिया की बच्ची कहाँ रह गई? रजिया, क्या हुआ? अभीर भाभी, रजिया कहाँ है? उसे मैंने बाहर भेजा है किसी काम से। भाभी, बाय कुरियर वाला आया है, मैंने ऊपर से देखा है, मेरा रिजल्ट कार्ड लेके आया होगा। अब बताए मैं क्या करूं? तो जाके लो ना उससे। भाभी, क्या बोल रही हैं आप? बाबा जाने देख ले तो? वो अपने कमरे में। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं अम्मी जान से, अम्मी जान को भी तो इतना तेज बुखार है। अर्जुमन भाभी भी आफाक भाई के साथ गई है, अब बताए मैं क्या करूं? अच्छा, परेशान मत हो, मैं जाके लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। क्या हुआ भाभी? अभी भाभी आप ठीक है ना? नहीं, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। भाभी आप यहाँ पर रेस्ट करें, बेल हो रही है, मैं फिर खुद ही देख लेती हूँ। हाँ, चला ना जाए, पापा जाना देख ले। बाबा जान नहीं है। बाबा जान, मैं ये देखें, ए प्लस ग्रेड से मैं पास हुई हूँ। ये मैं तो बस यहाँ पर। बेशरम, बेहया, तेरी इतनी जुर्रत कि तू दरवाजे पे आए? हाँ, तुझे मना किया था ना, किया था ना मना? बाबा जान, आई, बाबा जान, बाबा। अच्छा ममताज, बीच में मत आना, बीच में मत आना, चलो, चलो। चल, चल, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर मर। तो चुप कर तो, एक महीने के लिए तू इस कमरे में बंद रहेगी, और अगर तूने मेरा हुक्म न माना तो तेरी टांगे काट के हमेशा के लिए तुझे अपाहिज कर दूंगा। आपने बुलाया था मुझे? मिला है अपनी लाडली बहन से। क्या शिकायतें लगा रही थी? नहीं अबाजान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बता रही थी कि बीए का इम्तिहान पास कर लिया उसने। तो क्या करे, लड्डू बांटे? वाह वेला करे कि वो पास हो गई है? नहीं जी, वो अबाजान, वो आपकी इजाजत चाह रही है आगे पढ़ने के लिए। खबरदार, खबरदार, अगर घर में किसी ने उसकी पढ़ाई की तरफदारी की। क्या सिखा रही है ये पढ़ाई उसे? बेहयाई का मजारा करती फिर रही है पूरे घर में। दुपट्टा संभालने तो उसे आया नहीं है, और गैर मर्द से आंखें मिलाकर लिफाफा लेते हुए उसे शर्म नहीं आई। लेकिन अबाजान, खबरदार, जो उसकी हमायत में एक लफ्ज भी कहा तो। और तुमने क्या सोचा है? जी, किस बारे में? डॉक्टरों की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि तुम्हारी बीवी बांझ है। पिछले 5 साल से वो एक औलाद को पैदा नहीं कर सकी। अब ये फैसला तुमने करना है कि उसे तलाक देकर दूसरी शादी करनी है या उसके फैसले से। अबाजान, ये क्या कह रहे हैं आप? ना समझ आने वाली मैंने कोई बात नहीं की। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मुझे मेरी नस्ल से वारिस चाहिए। अजान, आपकी नस्ल की वारिस तो फहम की बेटी है, और अबीर फिर उम्मीद से? बेटी नस्ल की वारिस नहीं होती, जाहिल इंसान। ये समझाना और बताना पड़ेगा तुझे। और रही बात ये
कि वो फिर से उम्मीद से, अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो उसके लिए भी वही हुक्म जारी करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए किया है। तुम दोनों की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। जो औरत दूसरी बार भी बेटा ना पैदा कर सके उसे तीसरी बार आजमाने की जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, वो अबीर बीबी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? वो कह रही है अस्पताल जाने का वक्त आ गया है। अच्छा फाहम तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया। अफाक तुम गाड़ी निकालो, हम उसे लेके चलते हैं। जी मैडम। फाहम को फोन करो कि जल्दी आए, वही अपनी बीवी को लेकर जाएगा। लेकिन उसका दफ्तर दूर है। और सुना नहीं तुमने? अपनी भाविज को इस हालत में देखते हुए शर्म नहीं आएगी तुम्हें? अफाक तुम ऐसा करो, फाहम को फोन करो, मैं अबीर को देखती हूँ। जी बाबा जान। हाँ फाहम बताओ भाई, क्या बात है? तेरी तो है, इतनी देर क्यों हो गई? वो अभी अभी डिलीवरी हुई ना, इसलिए। हाँ बताओ भाई, हमारा पोता कैसा है? सेहतमंद तो है ना? वो बेटी हुई है। मेरी नजर में नामर्द है वो जो बेटा पैदा नहीं कर सकता, और तलाक के काबिल है वो औरत जो सिर्फ बेटियां पैदा करती है। मैंने दो दो बेटों को जन्म दिया लेकिन दोनों बेकार। मिनाल के जन्म के बाद मैंने चौथे बच्चे की ख्वाहिश इसलिए नहीं जाहिर की क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम्हारी मां बेटी को भी जन्म दे सकती है। जानते हो बेटी के बाप होने का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पहरेदार जिसने सारी जिंदगी उसका पहरा देना है कि वो कहीं उसके मुंह पर कलक न मल दे। एक ऐसा शख्स जिसे हमेशा अपना सर झुका कर रखना पड़ता है। जानते हो निनाल को मैंने दहलीज के बाहर कदम क्यों नहीं रखने दिया? इसलिए कि कई लोगों को यह ना पता चल जाए कि इस घर में बेटी रहती है और मुंह उठाकर रिश्ते मांगने न चले आए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इल्जाम खुद पर लो या बीवी को ठहराओ कि तुम इस घर को, इस खानदान को उसका वारिस देने में नाकाम रहे हो। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी का ऐलान करता हूं। एक गुड न्यूज है मेरे पास तुम्हारे। क्या? अब्बा जान मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? और मजे की बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि मेरी दूसरी नहीं तीसरी शादी होगी। अच्छा तो फिर शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी तीसरी शादी के अगले रोज ही उन्हें तुम्हारी लाश मिलेगी उसी कमरे से। अच्छा बड़ी जलन हो रही है भाई। उस वक्त क्या हुआ था जब तुम मेरी दूसरी बीवी बनने जा रही थी? असूलन मुझे तुम्हारी पहली बीवी होना चाहिए था लेकिन तुम ही डरपोक निकले थे, और एक मैं हूं जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपने मॉम डैड भी। अच्छा ना, आप ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत। सही वाली गुड न्यूज़ दूं? वो क्या? मैं आज शाम तक तुम्हारे साथ हूं, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं। गुड न्यूज तो मैं तुम्हें देने वाली हूं। क्या? मतलब के हम किसी अच्छी सी लैब में जा रहे हैं। लैब में जा रहे हैं? क्या कह रही हो? अरे यार प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। क्या? मुबारक हो, रिपोर्ट पॉजिटिव है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए बेवकूफ। थैंक यू। चलें? चलें। सोच भी नहीं सकते इस चीज में हमेशा अर्जुन के लिए सुना। अर्जुन
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबीर की रिपोर्ट्स थी, वो डॉक्टर को दिखानी थी। फाहम था नहीं तो मैंने सोचा मैं ही दिखा। ये ईमान है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, तबीयत खराब थी इसकी तो वो कहने लगी टेस्ट करा दो, हॉस्पिटल ले आया मैं। तुम्हें घर ड्रॉप कर देना? नहीं, ड्राइवर है मेरे साथ, मैं चली जाऊंगी घर। अच्छा ठीक है, मर्जी तुम्हारी, मैं शाम में जल्दी घर आऊंगा। ओके बाय। चलिए डॉक्टर साहबा जी, ये जो साहब अभी यहाँ से गए, ये आफाक साहब थे ना? जी। आप मुझे बता सकते हैं इनके साथ ये खातून कौन थी? उनकी मिसेस थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए थे? सब खैरियत है ना? जी, उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव थी। इरादे की बड़ी पक्की निकली आप। नहीं की ना आपने वक्त पे कॉल? देखिए, आप मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हो? आप नहीं जानते कि मैं किस पोजीशन में हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी जी नहीं। एंगेज्ड हैं? नहीं तो? किसी के साथ अफेयर में? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? तो आप खुद ही बता दीजिए आप किस पोजीशन में। देखिए, मैं एक बहुत ही पर्दादार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। अगर मेरे बाबा जान को पता चल गया ना कि आप मेरे लिए यहाँ फोन करते हैं तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके अब्बा जान? जी हाँ। तो ठीक है, आप मुझे अपना सेल नंबर दे दीजिए, मैं आपके सेल पे कॉल कर लिया करूंगा। क्या मतलब? मेरे पास कोई सेल फोन नहीं है। ओह, मतलब सेल फोन की भी पाबंदी है? जी हाँ, अब मैं फोन रख रही हूँ, आप दोबारा प्लीज कभी भी यहाँ फोन मत करना। एक मिनट। देखिए, ये हो नहीं सकता कि मैं आपको देखे बगैर बाज आ जाऊं। आपको एक बार तो मुझसे मिलना पड़ेगा। क्यों क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? चांस पर हूं। आपकी आवाज ने मुझे दीवाना बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे जी। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग ठीक है? ये मेरा छोटा बेटा है फाहम। तुम तो कह रहे थे कि हम वैसे ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि बात पक्की करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, सुहानी को लगता है मुझसे ज्यादा चलती है। ये मेरा बेटा है जी, सलमान। मेरा सारा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो आपकी बेटी कहाँ है, उसे बुलाइए ना। बेटी? बेटी को क्यों? क्या मतलब है आपका? हम आपकी बेटी को तो देखने आए अपने बेटे के लिए। आपको किसने कहा कि इस घर में बेटी है? जी, ये क्या कह रहे हैं आप? खड़े हो जाएं। खड़े हो। क्या मतलब है आपका? किससे भेजा है आपको? मैं पूछता हूं, किससे भेजा है आपको? किसी ने नहीं भेजा हमें यहां, हम खुद आए। खुद कैसे आए? बताइए, किससे कहा कि इस घर में बेटी रहती है? पहले आप अपना लहजा दुरुस्त करें। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। बाबा जान, तुम खामोश रहो फाहम। बाबा जान, ये लोग सिर्फ रिश्ते की बात ही करने आए हैं ना, इन्होंने कौन सी कोई गलत बात कह दी है? तुम बकवास अपनी बंद करो। और आप अभी तक खड़े क्यों हैं? धक्के देके निकलवाओ। चलो सलमान, अब यहां रुकना बेकार है, चलो। नजरें नीचे। बस बस, चलो सलमान।
बात याद रखना मुमताज, अगर मेरी बेटी को किसी ने अपनी बिस्तर की जीनत बनाने की कोशिश की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ दबाओ जाओ। कुछ और मेहमान आपसे मिलने हैं। जाओ उनको कह दो कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ। आफाक बात कर रहा हूं मैं। कैसे हैं आप? ठीक हूं। देखो मुझे सब पता चला है कि तुम लोग कैसे आए थे यहाँ और क्यों आए थे। तुम लोगों को इस तरह बगैर बताए नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? कोई फायदा नहीं है मिलने का, लेकिन मेरा मिलना जरूरी है आपसे। अब्बा जान। कौन? जी मैं ईमान बात कर रही हूँ। ईमान? कौन ईमान? मैं आपकी बहू, आपके बेटे अफाक की दूसरी बीवी। शायद उसने आपसे ये छुपा कर रखा था, लेकिन मुझे मजबूरन आपको बताना पड़ रहा है। ये जो आप अफाक की तीसरी शादी के लिए मेहमानों के सामने बैठे हैं, अब प्लीज इस शादी के लिए आप इनकार कर दें और मैं आज ही आकर आपसे मिलूंगी। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो ईमान, कभी मेरे सामने मत आना। ना मैं तुम्हारे रिश्ते को मानता हूं और ना इस रिश्ते से इनकार करूंगा, समझी?